गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक होंगे ऐसा मेरा अनुमान है, आशा है। मौसम काफ़ी सुहाना, शाम का वक्त है, आप आकाश देख सकते हैं और इस प्रकार से है, देखिए अभी 10 मिनट पहले बारिश हुई है, अभी बारिश थम सी गई है, लेकिन ऐसा अनुमान है, ऐसा आशा है कि हो सकता है रात में बारिश होगी। और अब कुछ गर्मी पिछले कुछ दिनों से कम हुई है और अभी देख सकते हैं आसमान में बादल भी काफ़ी चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शाम में बारिश या फिर रात में बारिश होनी है इस एरिया में। चलिए, मैं भी अपने बच्चों के साथ हूँ और आज बहुत सारे गार्जियन विद्यालय में प्रसाद पहुँचा कर गए हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में बाबा धाम बहुत सारे गार्जियन जाते हैं तो प्रसाद पहुँचा कर गए हैं। मैं कितना प्रसाद खाऊँ, ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों के साथ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो सीनियर स्टूडेंट्स पीयूष राज स्टार्ट अपना प्रसाद लेकर तैयार है और सभी बच्चे को प्रसाद देना है, कुछ इस प्रकार से थैंक यू बोलते जाएंगे आप लोग। इस प्रकार से ये आप सभी गार्जियन का आभार कि आपने विद्यालय में प्रसाद भेजा और प्रसाद मैंने बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत सारे पेरेंट्स भेजे थे प्रसाद और विद्यालय से नीतीश सर भी गए थे, उनका भी कुछ रखा था, तो मैंने सोचा कि इसको बर्बाद करने से बेहतर है कि बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो बेहतर होगा। तो आज मौका मुझे मिला, मैंने सोचा क्यों ना शाम के असेंबली के टाइम में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। आज गर्मी कुछ कम है ना? यस सर। कम क्या लग रहा है, ठंड का मौसम आज? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। yes, sir. ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम आ गया और उधर राजा तो प्रतीत भी करवा रहा है तो पूरा कैप वगैरह भी लगा लिया है। क्या राजा, ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है। तुम्हारे दो पीछे ना, एक पीछे ना उधर गंजी पे है, वो हंस रहा है तुमको देखकर। कुछ इस प्रकार से प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये देखिए सब सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इनको लोग को कटोरी नहीं दिया गया है और जो बाकी जूनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हाथ पर लेना नहीं आता उन्हें कटोरी का व्यवस्था किया गया था, उन्हें कटोरी दिया गया। आप सभी भगवान को याद करिए, चूंकि कहाँ का प्रसाद है आप लोगों को मालूम है? yes, बाबा धाम का मालूम है ना? yes, आप में से कौन कौन लोग बाबा धाम गए हैं? इधर सीनियर में कोई नहीं? हे भगवान, ये निशांत नहीं, ऐसे गए हो ना, ऐसे ही का बात कर रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे कौन गया, ऐसे तो कोई नहीं गया है। ऐसे सावन के महीने में तो हमारे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं गया होगा। नहीं, वो जाना बहुत टफ है, हम क्लास 7 में कल बताए थे ना कि कैसे कैसे जाना होता है सावन के महीने में, कैसे जाना होता है और जनरल जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कौन कौन जिला टच होगा, बताए थे ना। चलिए, कुछ इस प्रकार से विद्यालय में जो बाबा धाम का प्रसाद था रखा हुआ, जो पेरेंट्स लोग भेजे थे मेरे लिए, तो मैंने इसको समझा कि हमारे बच्चे भी खा लेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि प्रसाद तो बांट कर ही खाना चाहिए। तो पेरेंट्स ने मेरे लिए भेजा और मैंने बच्चों के साथ बांटा। शाम का वक्त है, बच्चे इवनिंग प्रेयर करने के बाद छत पे खड़े हैं, मौसम काफ़ी सुहाना है, वर्षा कुछ देर पहले हुई थी जैसा आप ज़मीन देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी छत देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ऐसा संभावना है कि रात में भी बारिश होगी। बच्चे सब काफ़ी खुश हैं इसलिए भी क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले तक काफ़ी गर्मी उमस था, नहीं आज नॉर्मल मौसम हो गया, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ है और किसान के भी चेहरों पर मुस्कान आएगी जब बारिश होगी। नहीं, कुछ इस प्रकार से है और बाबा धाम का प्रसाद दिया, मालूम है ना आप लोग को? yes, सीनियर लोग, तुम लोग तो मालूम है ही है, जूनियर सीनियर को मालूम है ना बाबा धाम कहाँ पड़ता है, कौन सा राज्य में पड़ता है? कौन बिहार बताया? गोलू भैया बता दिया, बिहार झारखंड में है, हाँ जमुई के नीचे, जमुई के दक्षिण की जमुई के नीचे, ऐसे बोलेगा तो फिर वीडियो में कोई समझेंगे नहीं। आप लोगों को तो बताया हुआ है ना, बहुत अच्छा तरीका से मैप में बताए थे। कुछ इस
प्रकार से है। पीयूष को भी थैंक यू बोलना और भगवान को याद करके खाना है। भगवान ने आपके लिए प्रसाद भेजा है बाबा धाम से, बाबा भोले। जो जाए वो मिले बाबा भोले तो हमारे लिए भी बोलना थोड़ा सा आने के लिए। एंड हो रहा है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का। बच भी गया, सर लोग को भी बांट दीजिए। सर लोग कुछ इधर, नीतीश सर, चंदन सर, इधर आपके प्रिंसिपल सर, साथ में रवि सर। इवनिंग का टाइम है, बच्चे सब प्रसादी खा रहे हैं। और आज वीडियो ज़्यादा लंबा तो होगा नहीं, लेकिन आपने इस वीडियो में अपने बच्चों को भी देखा, साथ में ये भी देखा कि बच्चे बाबा धाम का प्रसाद खा रहे हैं। मैं बाबा धाम नहीं गया था, कुछ पेरेंट्स हमारे यहाँ विद्यालय में प्रसाद भेजे थे हमारे लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चूँकि मैं कितना खाऊँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए वीडियो कहीं समाप्त हम करना चाहेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए गुड वाला, हो सके तो शेयर भी करिए अपने परिवार मित्रों और दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।